देखिए आज मैं आपको ना ये वाला जी, ये देखिए ये टॉप्स देख रहे हैं आप, टेक्सचर वाला टॉप्स है हमारा। इसके ऊपर ये टेक्सचर बना हुआ है सूरज वाला, ये गोल शेप में बनेगा। बाजार देखने में ये सिंपल है, लेकिन इसके अंदर हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये टेक्सचर बना हुआ है, आज मैं आपको ये टेक्सचर बताता हूँ कि ये टेक्सचर हम किस तरह से उसको बनाएंगे, ठीक है। मैं एक सिंपल तरीके से बताऊंगा जल्दी में, यानी कि थोड़ा सा खुला खुला करके, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन आपने इसको प्रॉपर बनाना है, जो कि टेक्सचर इस तरह से बना हुआ है, यानी कि थोड़ा करीब करीब करके। मैं थोड़ा खुला करके बनाऊंगा ताकि इजीली समझाने में मेरे लिए आसानी रहे, ठीक है। समझ आई मेरी बात आपको? जी चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये टॉप्स हम कैसे बना सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज इंजी कर देता हूँ पहले, और लुकिंग डाउन में जाके व्यू फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जी यहाँ से मैं इसकी डेस्कटॉप पे जाके तस्वीर निकालता हूँ, ये रही, ठीक है। ये पिक्चर मैं ले आता हूँ यहाँ पर ऐसे, और F4 दबा के इसकी पिक्चर मैं बड़ी कर लेता हूँ, और इसको पिक्चर को मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी जो साइज़ है ना, वो मैंने लेना है यहाँ पे जी, कि मुझे साइज़ कितना बड़ा चाहिए। तो मुझे साइज़ इसका चाहिए 25 mm का, 25 mm, ये मैंने 25 mm इसका मुझे साइज़ ले लिया जी, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया लॉक, और पिक्चर को मैं ले आया इसके अंदर यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 3D की कमांड पकड़ के F4 दबाया, और इसको मैंने ऐसे ये बड़ा कर दिया, और बिल्कुल इसके अंदर यहाँ पे एक ले आया, ठीक है, यहाँ पर। अब इस पिक्चर को इस राउंड के अंदर लाने का मेरा मकसद ये है कि जो ये टेक्सचर बना हुआ ना, इसका साइज मेरे पास आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आई मेरी बात आपको? जी इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया। अब इस पिक्चर को मैं कर देता हूँ वाइट कलर, देखे लॉक, ठीक है। ये देखे मैंने लॉक कर दिया, अब ये सेलेक्ट नहीं हो रही। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो डायमेंशन में जाके पहले इसका यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर करता हूँ कितना है। देखिए 5.5 mm, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जी पॉइंट रख के 5.5 mm का सर्कल बना लेता हूँ। ये मैंने जी सर्कल बना ली 5.5 mm का जी, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे एक राउंड लिया दोबारा से, और ये वाला सर्कल खोलना है, ताकि ये वाला सर्कल खोलने से ये इस सर्कल के अंदर से पकड़े। इस सर्कल को मैं इतना बना लेता हूँ जी, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कर्व मेन्यू में जाके इंटर कर्व लेना है, और जो यहाँ से इसको मैंने राउंड बंद कर देता हूँ और स्नैप खोल लेता हूँ। ये एक पॉइंट यहाँ रखा हमने, यहाँ पे रखा, ये पूरी मरोड़ी बनेगी एक ना, गोल मरोड़ी होती है ना, वो बनेगी ये, ठीक है। जी उसके बाद यहाँ ऐसे, और जो उसके बाद ये कंट्रोल पॉइंट देके इसको हमने जो यहाँ से ऐसे शेप बनानी है। उसके बाद दोबारा इंटर कर्व लेना है, और यहाँ पॉइंट रख के यहाँ पे चलाना है। उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करके उसी कमांड में आ जाएंगे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे रख के इसके ऊपर कर्व के ऊपर चलाएंगे, और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर। उसके बाद तमाम को पकड़ा और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने गिनना है कि हमारे पास ये इंजन कितने लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 ही लगाने हो, क्योंकि टेक्चर होता है छोटा बारीक, उसमें इतनी काउंटिंग इतनी बारीकियाँ नहीं देखी जाती। अगर 10 की जगह यहाँ 12 भी लगा दूंगा मैं, तो वो चल जाएगा। समझ रही मेरी बात आपको? 10 लगाता हूँ, ये देखें ये 10 आ गया मेरा परफेक्ट, ठीक है। अब मैं इस वाले कर्व को, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले कर्व को लेके ब्लू कलर देता हूँ और लॉक कर देता हूँ, और पिक्चर को मैं हाइड कर देता हूँ, और ग्रीन कलर को मैं अनलॉक कर देता हूँ जी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस वाले कर्व को लेके मैंने कर्व मेन्यू में जाना है और आर्क लगानी है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ से जी तंग कर रहा है, और एक आर्क यहाँ पे, एक यहाँ पे पॉइंट जी, ठीक है। अब देखें जो डिब्बियाँ बनी हुई ना, ये 1 mm की है डिब्बी। अब देखें 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, और ये 5 mm ऐसे। अब हमने रखनी है इसकी 4 mm की टो, 1, 2, 3, और ये 4, जो हमारे पास 4 mm आ गई। अब हमने क्या करना है, इस कर्व को लिया और ये सुप्लेट की कमांड पकड़ी, यहाँ से पॉइंट पे क्लिक किया, और एक मिड यहाँ से काटा, और एक मिड यहाँ पे पॉइंट रखा, ठीक है। अब ये दो कर्व हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पे जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो तमाम को यानी इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ, सरफेस में जाता हूँ और स्वीप टू कर देता हूँ उसको। ये मैंने स्वीप टू तो कर दिया, लेकिन देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ रही है, कोई मसला नहीं। तो मैं इसको यहाँ स्वीप करके और ओके कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही ओके किया, तो ये शेप मेरे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको प्लास्टिक व्यू करता हूँ मैं, और जो उसके बाद मैंने इस कलर को दोबारा से लॉक कर देता हूँ ग्रीन वाले को। अब इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने करना क्या है इसका। मैं यहाँ से ना, अब देखें जो आप कह आपको समझानी थी ना कमांड, मैंने स्मैश ही कमांड कि
सॉलिड काम कैसे करते हैं, जो मैंने आपको कहा दोबारा बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको। आप देखिए, मैंने इसको पकड़ा और बार में यहाँ पे लिखा स्मैश, एस एम ए, तो मेरे पास ये देखिए स्मैश की कमान आ गई। अब मैंने इंजीनियर क्या किया, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक, ये सरफेस इंजीनियर मेरे पास कुछ ऐसी आ रही है, ये सरफेस ख़राब आ रही है। नहीं कोई मसला नहीं, हम देखते हैं सरफेस हमारे पास ख़राब क्यों आ रही है। अब हमने इंजीनियर वापस जाना है, यहाँ बैक करते हैं और जो इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये अनलॉक करता हूँ उसको, और ये इसको यहाँ से जी यहाँ से दोबारा स्वीप टू करते हैं, और जो यहाँ से इसको दोबारा अप करते हैं। इसको यहाँ स्वीप के बजाय ना सिंपल स्वीप के बजाय ओके कर देता हूँ मैं, तो जी थोड़ी सी ख़राब आ रही है, कोई मसला नहीं है। इसको दोबारा से करते हैं और स्वीप टू करते हैं, और जो यहाँ से इसको हम अप करते हैं, और अब देखते हैं सर जी जी नेटवर्क से नहीं हो जाएगी। कन्वर्टर से हो तो जाएगी, लेकिन बताता हूँ कन्वर्टर से क्या होगा। ये देखिए मैं आपको कन्वर्टर से करके बताता हूँ, जो अब आप ध्यान से समझिएगा जरा। ये देखें, ये वाला पॉइंट लिया हमने, ये वाला लिया, ये वाला लिया। आप इसको कह रहे हैं ये कर्व नेटवर्क होगी, ये होगी, ठीक है। अब कर्व नेटवर्क मैंने कर दिया। अब चीज़ देखें, यहाँ से गोलाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से देखें ये शेप, देखें यहाँ से उठी हुई है, ये गोलाई नहीं है, यहाँ से गोलाई है। कर्व नेटवर्क में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब हम जी क्या करते हैं, इसको बेशक मैं यहाँ से कर्व को डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉलिड में जाता हूँ, यहाँ से स्पेयर लेता हूँ और F4 दबाता हूँ, और बिल्कुल इस कर्व के साथ चिपका देता हूँ। ये देखिए 25 mm का स्पेयर मेरा बन गया यहाँ पे। अब मैं करता हूँ स्पेयर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सुप्लेट की कमान पकड़ता हूँ और इस राइट ग्रीन कलर पर जाके राइट क्लिक करता हूँ और दोबारा राइट क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये स्पेयर कट गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस वाले को पकड़ के ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 1D पकड़ता हूँ, और जो यहाँ से F4 दबा के इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ऐसे ये मैंने छोटा कर दिया जी, ठीक है। अब देखें 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ओके हो गया हमारे पास जी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कमांड इसकी, समझ आई मेरी बात आपको जी। लेकिन अभी हम ये देखिए, अब जो लाइन आ रही है ना बीच में, इस लाइन की वजह से जब आप इसका स्मैश लेंगे ना तो वो ठीक नहीं आएगा। अभी देखें SM, अब ये देखिए स्मैश मैंने लिया, राइट क्लिक, लेबल ऑन और राइट क्लिक, ये देखें अब आ गया। देखें ये यहाँ पे खराबी आ गई, इसकी आ गई ना खराबी। ये खराबी सिर्फ इस कर्व की वजह से आ रही है, जो सेंटर में लाइन आ गई ना, ये इसकी वजह से ही खराबी आ रही है। हम कंट्रोल जी करते हैं और इसको सारे को बैक चले जाते हैं जी, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको पकड़ता हूँ और जो यहाँ से स्वीप टू करता हूँ और इसको मैं ये करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, SM ये स्मैश लेके अब दोबारा लेबल ऑन करता हूँ, देखता हूँ लेबल ऑन है, लेबल ऑन है, और राइट क्लिक करता हूँ, तो अभी भी हमारे पास ये खराब ही आ रही सरफेस जी जी जी, ठीक है। अब समझ आई आपके पास कि मैंने ये वाला कर था, ये वाला कर मेरा पहले ऐसे था, ठीक है। अब मैंने इस वाले कर को इस तरफ घुमा दिया और जो पॉइंट मेरे इधर से टूटे हुए थे मैंने इनको इधर से पॉइंट दे दिए, यानी कि आमने सामने से जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम को पकड़ के कंट्रोल नेटवर्क कर देता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया और इस वाले कर्व को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब मैं इसका लेता हूँ स्मैश, ठीक है, SM, ये आ गया स्मैश, ठीक है। राइट क्लिक, लेबल हमारे ऑन है, उसके बाद राइट क्लिक। अब देखिए हमारे पास ये सरफेस निकल के आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस सरफेस के अंदर रह के अब हमने ये वाला काम बनाना है, टेक्चर्स वाला, ठीक है। ये हमने टेक्चर बनाया ना, इसका एक लाइन वर्क लिया टेक्चर का, अब हमने ये बनाना है। तो मैं तो आपको बस एक समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने इसको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। अब देखें कर्व लेके, ये जो स्मैश ही कमान है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको अपना अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको इस कमान को मैं अपने रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल करता हूँ और मैं इस पर बहुत सा काम खुद बनाता हूँ। इसको मैं अनग्रुप करके इस वाले कर्व को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने पकड़ा और इसको मैंने यहाँ से ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये मैंने ग्रुप करा और उसके बाद मैंने डुप्लीकेट एज लिए, सॉरी डुप्लीकेट एज कह रहा हूँ, डुप्लीकेट कमान पकड़ी, इसको पकड़ा, इसको एक यहाँ ले आया और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दिया मैंने और यहाँ ले आया। बेशक अगर आपका एक ही साइज़ का आपने टेक्सचर लगाना हो ना और यहाँ से बाहर निकल रहा हो तो कोई मसला नहीं है, फिर आप क्या कीजिएगा, इस सारे को पकड़ के और यहाँ से कैंची पकड़ के ट्रिम यानी के, और इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ टेक्सचर ताकि ये ख़राब ना हो जी, ठीक है। अब इसको मैंने पकड़ के यहाँ और ये पॉइंट ऑन करके, मिड पॉइंट इसका कहाँ है, यहाँ पर,
और मैंने इसको ऐसे मिरर कर दिया जी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें मर्ज हो रहा है, कोई मसला नहीं है, इसको हम हल्का सा छोटा कर देते हैं और इधर ले आते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि टेक्सचर का इतना कोई इशू नहीं होता, टेक्सचर इतना कोई गहराई में जाके देखता भी नहीं है। अब हमने ये क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब इसका क्या करना है, इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैं इसके दरमियान में लगाता हूँ यहाँ ऐसे, और एक को मैं लगाता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ऐसे ऊपर करके, ये मैंने ऊपर करके। अब इन दोनों को पकड़ा मैंने और यहाँ से मिरर की कमान पकड़ी दोबारा, इसको पकड़ा और यहाँ लगा दिया समझे। ठीक है, अब इसको पकड़ा इस वाले पॉइंट को और डुप्लीकेट से मैं इसको जो यहाँ पे ले गया ऊपर, यहाँ रखा और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पकड़ा यहाँ से ऐसे जो मिरर कर लिया, ये मैंने मिरर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रखा, इस पॉइंट को पकड़ा और यानी कि इन तमाम को पकड़ा, इसको अनसेलेक्ट किया और मिरर की कमांड पकड़े, इस कर्व के ऊपर रखा पॉइंट और यहाँ मिरर कर लिया। ठीक है, अब देखिए मेरा ये सारा टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है, समझ आएगा आपको मेरी बात। अब आप नहीं तो मैं एक खुला खुला इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये इस तरह का कर्व लेके उसका खुद का हम टेक्सचर इसमें मैट्रिक्स आर्ट के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। पहले उसको हम खुद लाइन वर्क करके डेस्कटॉप के ऊपर सेव करेंगे और फिर आर्ट मेन्यू खोल के डेस्कटॉप के ऊपर से जाकर इसके अंदर जाके हम अपना टेक्सचर इसमें अपलोड करेंगे और उसको खुद से बनाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम गूगल वगैरह से जाकर ढूंढते हैं ना, फिर हमें वहाँ से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपना टेक्सचर बना के इसमें इम्पोर्ट करके पीस के ऊपर ला सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के वो भी बताऊंगा। तो अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ यहाँ से जी। ठीक है, अब मैंने जी क्या करना है, ये देखिए मेरे पास ये आ चुकी है। अब मैंने जी क्या करना है, इस कर्व को लिया, राइट क्लिक किया इसके ऊपर और जो यहाँ से मैंने इसको सॉलिड की कमांड में गया और एक्सट्रूड स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया मेरे पास, ये आ गया। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और लेयर में चेंज कर लेता हूँ। ये लेयर मैंने चेंज कर ली और इसको जो यहाँ से करता हूँ 0.5, ये मैंने 0.5 कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये 0.5 का गेज आ जाएगा और मैं इसकी जो चाहिए कर्वे हैं वो सारी की सारी मैं इस लेयर में डाल के बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये बंद कर दी। अब देखिए आपको सॉलिड काम समझाने के लिए जा रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसके ऊपर, अब हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और यहाँ सेकेंड विंडो और ये देखिए फ्लो अलोंग सरफेस, इस पर क्लिक करना है। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारे ये वाला कलर यानी कि स्टार जो बने हुए ये टेक्चर हमने जी। ठीक है, अब हमने जी क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है राइट क्लिक और उसके बाद दोबारा राइट क्लिक। अब वो हमसे पूछ रहा है बेस सरफेस। अब थोड़ा सा आपने पॉइंट समझना है यहाँ पे, पहले तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट्स ऑन होते नहीं थे तो हम बेस सरफेस क्या करते थे, इस सरफेस पे क्लिक करते थे उसके बाद इस सरफेस पे क्लिक करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे ये पॉइंट्स ऑन है तो अब आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और उसी तरह से यहाँ भी 1 लिखा हुआ है यहाँ 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप 0 पे कर लें, 1 पे कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से 0 पे कर देता हूँ, ये मैंने 0 पे क्लिक किया। तो यहाँ जब हमने 0 पे क्लिक करना है ना इस जगह पे, तो यहाँ आकर भी हमने 0 पे क्लिक करना है ना कि 1 के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर भी मैं आके 0 पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने देखे 0 पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। अभी अप्लाई हो रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, जब तक अप्लाई होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ। तो ये देखे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल जो उसी तरह से यहाँ पे मेरा ये देखे टेक्सचर अप्लाई, ये बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो गया। ये देखे कहीं से कुछ खराबी नहीं आई इसके अंदर, ये देखे ये ले। लेकिन थोड़ा सा ये नीचे की तरफ चला गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये नीचे तक चला गया ना। तो आपने करना क्या है, दोबारा राइट क्लिक करते हैं, फ्लो अलोंग सरफेस की कमांड में आते हैं और इस पे जाके राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं। अब वो पूछ रहा है बेस सरफेस। बेस सरफेस पहले हमने 0 पे क्लिक किया था ना, अब हम यहाँ से 1 पे क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी अब हम 1 पे क्लिक करेंगे इस पे। अब मैंने यहाँ पर भी 1 पे क्लिक किया, अब देखते हैं ये नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। समटाइम ये होता है, कभी नीचे की तरफ चला जाता है, कभी ऊपर की तरफ चला जाता है, ये इसको बाद ना ये तंग करता ही करता है जी। ये आ गया हमारा टेक्सचर जी। ठीक है, ये देख तो कितना आराम से देखे सॉलिड काम सारा इसका यहाँ से उठ के यहाँ पर अप्लाई हो गया और कहीं से कोई खराबी नहीं आई। जहाँ जहाँ हमने जिस जिस स्पेस के ऊपर रखा था उसी तरह से यहाँ पर भी उसी स्पेस के ऊपर यहाँ पे ये देखे ये सारे हमारे पॉइंट आ चुके हैं।
तो इस तरह से फ्लो अलोंग सरफेस को और स्मार्ट को यानी कि स्मार्ट की कमांड को यूज करके करते हुए और उसके पॉइंट्स ऑन करके कोई भी सॉलिड काम हम यहाँ बना के इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताई थी लेकिन आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपको दोबारा से डिटेल में बता देता हूँ ताकि जो मेरा काम है वो भी हो जाएगा, ये वाला देखे टेक्सचर वाला, और आपको जो मैंने चीज समझा दी अब वो आपको भी समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ मेरी बात आ गई होगी। जी, देखे देख रहे हैं जैसा उसके ऊपर तस्वीर के ऊपर था हमने वैसे इसके ऊपर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ये देखे, ठीक है जी। तो इस तस्वीर में आपको व्हाट्सएप के ऊपर इसकी सेंड करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें और ये मुझे बना के दिखाइएगा जरा। ठीक है, चलो ठीक है, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। और आप लोगों को भी आज की वीडियो कैसी लगी, और इसके अंदर जो मैंने ये पॉइंट्स ऑन करके लेबल ऑन करके मैंने स्मार्ट यानी कि स्मार्ट फ्लो लॉन्ग सरफेस को यूज़ किया साथ और स्मैशी कमांड को यूज़ करते हुए इन पॉइंट्स को ऑन करते हुए मैंने ये टेक्सचर वाला एक टॉप्स बनाया, तो ये आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आइडिया मेरा कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहे। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बैंगल बनाना बताना था लेकिन मैं वो नहीं बता सका, उसकी रीज़न ये थी कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये तस्वीर भेजी थी कि सर मुझे ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये किस तरह से बनेगा। तो मैंने सोचा कि पहले इसको जो मेरा ये स्टूडेंट है इसकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो जो बैंगल का डिज़ाइन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला बैंगल का डिज़ाइन भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा डिटेल से, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये जो मैंने रिंग बनाई है जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी मैं आप लोगों को ये भी बनाना बताऊंगा कि किस तरह से मैंने मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए ये रिंग बनाई है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस मैं इन्हीं टॉपिक पे बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।